एजुकेशन मीडिया रे पुणि थरे आपण मानको स्वागत। जदि आपण माने हमर चैनल नो व्यू रहितबे तल चैनल टिको सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक शेयर और कमेंट करंतु, पाखर थिबे बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जा फलर कि आमे अपलोड करथिबा नुआ नुआ शिक्षण धर्मी वीडियो गुडी कर नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथम पाई परिबे। आज सेई परि आउ एक वक्तृता बा वितर्क विषय देशर अर्थनीति रे शिल्पर भूमिका, देशर अर्थनीति रे शिल्पर भूमिका। मंचासीन बरेण्य सभापति महोदय, उपस्थित साधारण जनता, मोर पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद, एवं आज एक विशेष सभार आयोजक मंडली, आज यह एक भव्य सभार मत किसी कहार सुजोग दे सर्वप्रथमे मु विचारक मंडली तथा आयोजक मंडली को धन्यवाद अर्पण करुच्छे। मो सीमित बुद्धि परिसर भितर देशर अर्थनीति शिल्पर भूमिका उपर वक्तव्य रखी, आशा करे तहा आपण मानक मन को छुई पार। सबुजीमा विमंडित शस्य श्यामला भारतवर्ष भौगोलिक दृष्टिकोण रु कृषि उपयोगी, नदी नाल विभूषित स्वर्ण गर्भ भारतर प्राकृतिक सौंदर्य दिने विश्ववासी को प्रलुब्ध करथिला। एही मर्मरे ग्रीसर दार्शनिक एरिस्टोटल कहिथिले, इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस बट पोअर इन इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अर्थात अमाप प्राकृतिक संपदर गंताघर भारतवर्ष, किंतु यार सठिक उपयोग हो पार भारतर अर्थनीति दुर्बल। कृषि प्रधान देश हेतु कृषि भित्तिक शिल्प सह बड़ बड़ शिल्पर मध्य आवश्यकता रही। 1948 मसीह भारतर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यार गुरुत्व उपलब्ध करी शिल्पर विकास प्रयास जारी रखी। सर्वप्रथमे कृषि भित्तिक शिल्प जथा कपड़ा शिल्प, झोट शिल्प, चमड़ा शिल्प, चीनी शिल्प, चा कॉफी, काजू प्रक्रियाकरण, खाद्य प्रक्रियाकरण, सार कारखाना, कृषि यंत्रपाति निर्माण, दुग्ध शिल्प इत्यादि कृषि को सहायता करिबा संगे संगे निजुक्ति सुजोग सृष्टि करिबा एवं बजार व्यवस्था सृष्टि पूर्वक वैदेशिक मुद्रा संग्रह रे सहायता करथाय। उदाहरण स्वरूप कॉफी, भारतीय कॉफी रा चाहिदा विदेश रे अनेकांश रे रहिछि, तेणु भारतीय अर्थनीति रे एहा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि पारिबो। सेइबळे मसला, चा, काच निर्मित वस्तु, काजू बादाम भळि जिनिष विदेश को रप्तानी करा जाय, वैदेशिक मुद्रा संग्रह करा जाय पारिबो। वैदेशिक मुद्रा ही भारतर अर्थनीति को नियंत्रित करथाय। सेइबळे बृहत शिल्प मध्यरे लौह एवं इस्पात शिल्प 6टी बृहत एवं 216टी क्षुद्र इस्पात कारखाना देशरे चालू रहिछि। अन्यान्य कारखाना गुड़िक मध्यरे एल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, साइकिल, भारी जल कारखाना, जंत्रांश निर्माण, मिग विमान, जहाज तैयारी, रेल इंजिन, परमाणु अस्त्र निर्माण, युद्धास्त्र निर्माण भली अनेक कारखाना गढ़ी उठी। शिल्प क्षेत्र ही निजुक्तिर बृहत क्षेत्र, 2002-03 मध्य 199.65 लाख निजुक्ति पाई, 2002-03 देशर क्षुद्र शिल्प यूनिट्रे मोट संख्या थिला 35.72 लाख। जनसाधारण समतुल वृद्धि हार लाभ करने पंचवार्षिक योजना मान आरंभ करा कर घर उद्योग तथा क्षुद्र शिल्प एवं बृहत शिल्प मानक मध्यरे लक्ष्य हासिल करने से योजना उद्दिष्ट थिला। शिल्प संप्रसारण को द्रुत भाव में आगे नापी विदेशी पूंजी निवेशकारी मानकु निमंत्रण करागला। सरकार देशर संपद को यथार्थ विनियोग करने बलिष्ठ पदक्षेप ग्रहण कर 1991 मसीह सरकार द्वारा घोषित शिल्प नीति रे थिबा कोहल अवस्था सृष्टि करा जिबा द्वारा MRTP कंपनी मानक उपरू प्रतिबंधक गुड़ी हटाई दि जाए। आम शिल्प क्षेत्र में भाग नेबा उद्देश्य वैदेशिक अंशधन सीमा बढ़ाई दि जाए। वर्तमान अर्थनीति क्षेत्र में भारत पृथ्वी एकादशतम बृहत देश, 2002 मसीह यार मोटामोटी जातीय आय $50 बिलियन थी, स्थान थी
62। 2030 मसीहा सुधा भारत को एक नंबर समुद्र समृद्ध देश में परिणत करने को योजना प्रणयनकारी मैंने चेष्टा जारी रखिंस सफलता कामना कर मोर वक्तव्य शेष कर जय हिंद। एवं शेषे समस्ते धैर्य सहकारे शुणी समस्त को आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन एवं पुणी थे अनुरोध करुच्ची आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं बहुमात्रा रे शेयर करूँ जहाँफल कि आम मैंने उत्साहित हो आ नुआ नुआ वीडियो आपण मानक प्रस्तुत करथिबो। धन्यवाद।